आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। ग्राहक संपर्क पाल ग्राम को के लिए मेले में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मीना तामाङ, सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया को तर्फबाट तपाईहरु सबै उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरुलाई हाम्रा यस दुई दिने ग्राहक मेला, ग्राहक उन्मुखी पाइला, कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिभमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। महानुभाव बोलामा जिन्दगी का बड़ा अनमोल होता है। बोलामा जिन्दगी का बड़ा अनमोल होता है जब आप सबों की उपस्थिति का सुंदर माहौल होता है। माननीय, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक श्री डी अशोक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप आज की मुख्य अतिथि सुश्री देवश्री चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मंच पर पधारे। सर, एचसीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अनि साथै कार्यक्रमको शोभालाई अझै बढाउँदै निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रा अर्को विशेष अतिथि श्रीमती देवाश्री चौधरी मिनिस्टर अफ स्टेट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। महोदय, आए वो हमारे ग्राहक मेले में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। आए वो हमारे ग्राहक मेले में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर उनको सब सब सबके दिल झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सुभश्री देवी श्री चौधरी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर रीजनल मैनेजर श्री जयव रहमान सर का अनुरोध करते हैं कि सर मंच पर पधारें। मेरा अनुरोध श्री कदम सदा जी डिविजनल मैनेजर कैनरा बैंक से है कि कृपया मंच पर पधारे। सर, रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्री ऋषिकेश मिश्रा जी कृपया मंच पर पधारे। सर, श्री संजय सहाय चीफ रीजनल मैनेजर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। सर, मिस्टर फिलिप रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। श्री नीतीश नायक महोदय डिप्टी जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया कृपया मंच की शोभा बढ़ाने आए। सर, श्री रविंद्र हांसदा डीडीएम नाबार्ड कृपया मंच पर पधारे। सर, श्री एमएल पॉल रीजनल मैनेजर सिंडिकेट बैंक कृपया मंच की शोभा बढ़ाने आए। सर, ओके सर। मिस्टर निरोला चेयरमैन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कृपया मंच पर आए। श्री सरोज कुमार छेत्री एलडीएम दार्जिलिंग हमारे बीच मौजूद है। आप सभी मंचासीन अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Thank you.
enriched with this.
banks in Darjeeling districts, Madam, banks are always trying and we are always giving full support, full supports in different government schemes to our customers. Definitely within the norms, within the guidelines which have been given to the banks by Reserve Bank of India. Normally customers in Darjeeling district, as we have come to know from the different points, the customers of the Darjeeling districts normally are satisfied with the banks branches, but if any deficiency is there, definitely they can share it, because it is the 2 days program, as we all know, starting from today and ending on tomorrow. So these 2 days are sufficient enough within our hand to solve if any the problems of the customers they are having. With these few words, I again welcome to all of you here, and especially I again extend my special welcome to today's our guest of honor, Madam Minister. Thank you. Thank you. आए हुए यह जो बैंक ग्राहक संपर्क मेला में भाग लिए हुए हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और जो सब लोग आए हुए हैं इस संपर्क मेला में, सभी को मेरा दशहरा की शुभ विजय की आंतरिक शुभकामनाएं। अभी मैं खड़ी हुए हैं पश्चिम बंगला की रानी दार्जिलिंग शहर में। जो नारा दिए गए हैं, त्योहार के मौसम में उमंग के साथ ग्राहक का संग, बैंक के साथ, ऐसे नारा के मतलब ये उत्सव का त्योहार के मौसम में हम और बैंक एक साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे जो डायस पे बैठे हुए हैं, जो डिग्निटरीज हैं, जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सबकी सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से एक अनुरोध है, कल भी एक बैंक से ज़्यादा लोन लेने वाले एक व्यक्ति से मेरा बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा, मैडम आप लोग इतना कुछ करते हैं लेकिन अभी तक तो जो नेशनलाइज बैंक है इनका सिस्टम इतना कठिन है, वो होना चाहिए, तो नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तो हम लोग प्राइवेट बैंक में जाके सरासर बोल देते, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं चाहिए, हो जाएगा। तो आपको भी थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र नेशनलाइज बैंक के साथ ग्राहक संपर्क रखें या लोन हमारी नेशनलाइज बैंक से ली। इसलिए हमारा आग्रह है, जितना संभव आप इसको रिलैक्स कीजिए। एक तो ये विषय है, दूसरा विषय है जो प्रांतिक स्तर की महिला है, प्रांतिक स्तर का जो आदमी है, वो लोग जो जिनका पढ़ाई लिखाई कम है, ये फॉर्म भरने में डर होते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कैसे लिखेंगे, इस डर से बैंक का साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, बैंक में खाता भी नहीं खोलना चाहते थे। अभी जनधन योजना के तहत पर खाता कुछ खुला है, तो इसको भी हम लोगों का साथ से, आप जो मेरे सामने बोले हैं कि हम लोग बहुत सारे इनका साथ कोऑपरेट करते हैं, इसका कोऑपरेट का लेवल भी और भी बढ़ाइए, ताकि हम लोग राष्ट्रायत्त नेशनल बैंक के साथ सब लोगों का जुड़ सकते हैं। हमारे मुख्यतः उद्देश्य जो है, इसका मेन कारण है, हम लोग जो मिनिस्टर लोग, एमपी लोग जा रहे हैं, इसका मतलब एक ही है, राष्ट्र नेशन आपका साथ है। ज़्यादातर लोग
अभी घर में जाके जो लोग बैंक में नहीं जाना चाहते हैं, जाने में डरते हैं, इन लोग अब का पास जाके बोलते हैं, हम घर आके बोलते हैं, वो लोग घर आके बोलते हैं कुछ नहीं लगे, हम कराएंगे, हम भी वो जो फॉर्म वो भी भराएंगे। ऐसे मनी लॉन्डरिंग का चक्कर में फंस जाते हैं, चिट फंड का चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे सभी के लेकर, आपको लेके, ये ग्राहक को लेके हमारे साथ जो संपर्क मिला, इसका एक ही उद्देश्य है, हम लोग सभी के साथ सब लोग कोऑपरेट करें ताकि बैंक भी मौजूद हो जाए और हमारे जो ग्राहक लोग वो चिट फंड का चक्कर में ना पड़े, उनका सुविधा हो जाए। दूसरा जो विषय है, यहाँ पे आए हुए बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं महिला विकास मंत्री होने के नाते मेरा भी आग्रह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना लोन वगैरह है, इनको भी जरा सरल कीजिए ताकि महिला लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और हमारी सरकार की जो उद्देश्य है, महिला जो हमारी सेकंड पंच है, दूसरा पंच है, इसको सशक्त करना है। इस सशक्तिकरण के लिए हम लोग कोशिश में है और जितना सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वगैरह वगैरह जितना सारी है, और इस सरकार का इच्छा है कि महिला लोग सशक्त हो जाए, इसलिए महिला लोगों का इतना भागीदारी भी अच्छा लगता है और महिला लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत ही आगे चल रहे हैं। ये देख के हमको भी बहुत आशा होता है कि आगे आने वाले दिनों में इस देश में महिला लोग भी मतलब साथ साथ कदम मिला कर चल पाएंगे। इसलिए सभी को मेरा ये निवेदन है कि ये संपर्क मेला में हम किसी को डरेंगे नहीं, हम जो लोगों का इस मेला से अभी जो लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा, आप लोग भी जाके बोलिए, जो आपका दोस्त है रिलेटिव्स है इनको बताइए कि आप नेशनलाइज बैंक में चलो, इसमें सबसे अच्छा है, इसमें आपको डिप्राइव होने का कोई चांसेस नहीं है। और मेरा तरफ से आग्रह भी है ग्राहक लोगों का, आपने जो लोन लिया है उसका ब्याज सही समय पे चुकाना है, तो आप लोन जो ब्याज जब चुकाओगे तो साथ साथ आपको दोबारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चिटफंड वाले जो बोलते हैं कि अरे छोड़ो ना यार, छेड़ दो ना बाबू, ও এখানে এলে এখানে থেকে লোন নাও, তোমাকে মেটাতে হবে না, চলে যাবে ফুরিয়ে যাবে। इसका बाद क्या होते हैं, खुदकुशी करना पड़ता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है और जिंदगी वो चैन से नहीं जी पाते हैं और कितना मुसीबत इसका सहना पड़ते हैं। इसलिए सरासर ये नेशनलाइज बैंक से आप लोग लोन लीजिए, इसका ब्याज चुकाइए और दोबारा फिर लोन लीजिए, आपको स्टेबल कीजिए, आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ाइए, आपका जो सपना है घर बनाने का इसको पूरा करिए, इसका आपका बच्चा को सही तरह से एजुकेशन देने का जो शौक है इच्छा है वो भी पूरा कीजिए, राष्ट्र आपका साथ है और ये नेशनलाइज बैंक से आपका लोन लेने से आपका ऐसा कभी ना महसूस होंगे कि हमको खुद कुछ करना पड़ेगा या हमको भाग के जाना पड़ेगा, हम चैन से नहीं जिएंगे, ऐसा कभी नहीं होंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे आना है आप सभी को, फिर दीपावली, भाईदूज और काली पूजा सकल के हमार आंतरिक प्रणाम, सकले खूब आनंद करे काली पूजो भाई फोटा एवं আগে যে ছট পূজা যা যা আছে সব আনন্দের সঙ্গে কাটান, এবং আজকে যারা যারা এখান থেকে ব্যাংকে লোন পাবেন তারা সকলে গিয়ে নিজেদের জীবনকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুন, এবং আপনার আশেপাশে যারা আছে সকলকে আগ্রহ করুন সবাই যাতে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত হয়। সকলকে আমার আন্তরিক নমস্কার, ধন্যবাদ। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार में कई कदम उठाए गए हैं, इन्हीं सुधार के क्रम में ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये आज 148 डिस्ट्रिक्ट में फेज टू में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सरकार के इस कदम को जन जन तक
पहुंचाने हेतु बैंकों का हौसला बढ़ाने और के लिए मंत्री महोदय इतने दूर से कष्ट करके हमारे यहाँ पिच पधारे, हम उनके आभारी हैं। महोदय आपको धन्यवाद है, आपके आने से हमारा हौसला बढ़ा है। हम सब मिलकर इस जिले, राज्य एवं देश के विकास हेतु हम काम करेंगे और देश को प्रगति के उच्च शिखर में पहुंचाने हेतु हम अपना योगदान करेंगे। धन्यवाद। हम स्टैंडअप इंडिया स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी उन ग्राहक बंधुओं को जो हमारे बैंकिंग स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के बहुत ही अच्छी स्कीमों में से एक है जो 2016 अप्रैल से शुरू हुआ है। ये स्कीम उनके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वोमेन एप्लीकेंट्स हैं वो एलिजिबल है। उसके अलावा वो संस्था जिसका स्टेक होल्डर 51% इसमें रहता है वो संस्था इस स्टैंडअप इंडिया की स्कीम में लाभार्थी होने का योग्य रहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है जो कॉम्पोजिट लोन है और ये उस उद्देश्य के लिए जो एक नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये बिजनेस जो नॉन फार्म सेक्टर के उद्देश्य के लिए है यानी कि एग्रीकल्चर स्कीम के लिए उपलब्ध नहीं है। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग संबंधित कोई भी नए बिजनेस अगर वो आरंभ करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए ये लोन मिल सकता है। इसका मार्जिन जो लोन लेना चाहते हैं उनको 25 जो लागत उस नए बिजनेस का होता है उसका कम 25% अपने मार्जिन इसमें लगाना होता है। इसके अलावा इस मार्जिन में और थोड़ा ये हो सकता है कि अगर किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के तहत में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिसमें उनको सब्सिडी का मिलने का उसमें सब्सिडी लिंक्ड ऐसा कोई स्कीम हो तो उसमें कम से कम उनका मार्जिन 10% तक आ सकता है। ये लोन रिपेमेंट मैक्सिमम पीरियड है 7 ईयर्स। कोलैटरल सिक्योरिटी इसमें जरूरत नहीं होता है इसलिए जो भी बैंक फाइनेंस से जो एसेट क्रिएट होता है सिर्फ वही प्राइमरी सिक्योरिटी इसमें लिया जाता है। ये लोन नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ये इंश्योरेंस कवर होता है इसलिए बैंकों ने कोई किसी तरह का कोलैटरल सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं करते। जो भी लाभार्थी, जो भी ग्राहक, जो भी कस्टमर अगर उनके योजना है कोई नए यूनिट, नए व्यवसाय शुरू करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। आप लोग किसी भी नेशनलाइज बैंक में अपने नजदीकी शाखा में जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। भारत सरकार समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, बहुत से लोन में सब्सिडी देते हैं और ताकि समाज के जो अनएम्प्लॉयड आदमी है वो कोई भी रोजगार करके आगे बढ़े जिससे कि देश का जीडीपी बढ़े, हर आदमी का आमदनी बढ़े और समाज में लोग जो इधर उधर भटकते हैं रोजगार के चक्कर में दूर दूर तक जाते हैं उनको अपने घर पर ही रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छा से कर सके। इसलिए सरकार बहुत सारे योजनाओं में सब्सिडी देती है और इस लोग को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, अपना उपार्जन करने में सहायता मिलता है। उसी के तहत मैं आपको एक दो स्कीम के बारे में बताऊंगा, थोड़ी जानकारी देता हूं आपको पीएमईजीपी के बारे में। पीएमईजीपी एक्चुअली इसमें ये बैंकों की योजना है, इसमें सरकार का सब्सिडी भी प्राप्त होता है लोगों को। पहले ये पीएमआरवाई और आरईजीपी करके दो योजनाएं चलती थी,
उसको सम्मिलित करके एक योजना पीएमईजीपी किया गया है, प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी है। इसमें सब्सिडी आपको मिलती है 15 से 35% तक, 35% तक मिलता है। तो अलग अलग लोकेशन के अनुसार और कैटेगरी के अनुसार सब्सिडी होता है। जनरल कैटेगरी में 15% है, प्लेन एरिया में 15% है, वहीं पर अगर वुमेन है कोई और ये क्या कहते हैं हिली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के आदमी है या ओबीसी है तो उनको 35% तक मिलता है, 25% उनको अर्बन एरिया में मिलता है और रूरल एरिया में 35% तक मिलता है और 15% जनरल को मिलता है जो इसके अलावा कैटेगरी में आते हैं और 25% रूरल एरिया वाले को मिलता है और शहरी एरिया वाले को 15% मिलता है। पीएमईजीपी एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है और इसको जब से ये लागू हुआ है तब से इसको ग्राहक ने भी हाथों हाथ लिया है और बैंकों ने भी काफी इसको सक्सेस बनाया है। जो भी टारगेट दिया जाता है हर बैंक को दिया जाता है और हर बैंक उस पर खड़े उतरते हैं। मैडम को हम आश्वस्त करते हैं कि ये जो योजनाएं हैं पीएमईजीपी की इसमें बढ़ चढ़ के बैंक भाग लेती है और जहां तक होता है हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं इसको सक्सेस बनाने में। हम अपने तरफ से सभी बैंक वाले के तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। जैसे ही इसकी मतलब लिस्ट अभी तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आने के बाद उसको हम लोग देखते हैं प्री सेंक्शन करके जो भी चीज होता है देने लायक है नहीं देने लायक है इमीडिएट उसका डिसीजन लेके और सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें आप लोगों को ये करना है, ग्राहक को मैं ये बताना चाहूंगा कि लोन लेने से पहले इसमें 2 हफ्ता या 3 हफ्ता का एक ट्रेनिंग करना होता है जिसे ईटीपी प्रोग्राम कहते हैं। वो कर लेने से अगर पहले से किए होते हैं तब करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो उसको करना होता है तभी आपका डिस्पर्समेंट होता है और आपका लोन जो है आगे बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें हम लोग एमएसएमई के तहत ही देते हैं इसको भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम ही रहता है। तो इसमें लेकिन एक चीज है जो मैं इसमें बुराई मैंने देखा है कि लोग जो लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि नहीं इसको चुकाना नहीं है। ये जनरल अवधारणा पब्लिक के दिमाग में है, उसको निकाल देना चाहिए। एक्चुअली वो जो लोन दिया जाता है वो सर किसी पब्लिक ने पैसा जमा किया है बैंक में, बैंक वही पैसा आपको लोन देती है, बैंक को अलग से कहीं पैसा नहीं है। पब्लिक का पैसा जमा ले करके जो डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक लोन ग्राहक को देती है, जो कि पैसा हम निश्चित रूप से ग्राहक को लौटाते हैं और जो रेट पर हम कंट्रैक्ट करके लेते हैं डिपॉजिट या सेविंग में रखते हैं वो निश्चित रूप से हमें उनको उनके देय तिथि पर देते हैं। तो उसी तरह से आप अगर नहीं चुकाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम होगा बैंक के लिए। तो ये लोन है उसको चुकाना चाहिए, लेकिन आप सब्सिडी पाते हैं वो आपको फ्री मिलता है, बल्कि जो सब्सिडी मिलता है उसमें उसको हम लोग फिक्स करके रखते हैं। वो सरकार की योजना ही है कि 36 मंथ उसको फिक्स करके रखना होता है और जितना अमाउंट का है फिक्स सब्सिडी जो मिल गया है उतना पर लोन पर भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, साथ में डिपॉजिट पर भी ब्याज नहीं लगता है और लोन पर भी नहीं लगता है। तो ये भी बेनिफिट होता है आपको। लॉक इन पीरियड 36 मंथ के बाद वो आप लोन में एडजस्ट कर सकते हैं या चुकाने में उससे मदद ले सकते हैं या उसको फिर आप अपने कैपिटल के रूप में रख सकते हैं, लेकिन लोन को अच्छा से चुकाने पर ध्यान देना है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि पीएमईजीपी पहले एक बार देते थे लेकिन अब दूसरा बार भी दे सकते हैं। अगर कोई सक्सेसफुली टाइम के अंतर्गत अगर चुका दिया है और उनका यूनिट सक्सेसफुल रन कर रहा है, प्रॉफिट अर्निंग है, जिस उद्देश्य से उनको दिया गया है उस उद्देश्य में अगर वो सक्सेसफुल है तो उनको फिर से दिया जा सकता है और बढ़ कर दिया जा सकता है। अभी 1 करोड़ तक उन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम उनको दे सकते हैं, बिजनेस और ट्रेड वगैरह है तो उसमें 25 लाख तक दे सकते हैं। और मेन जो है प्रथम बार जो देते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोजेक्ट के कॉस्ट है 25 लाख, यानी टोटल जो आप काम में लगाएंगे पूंजी वो 25 लाख तक के पूंजी में जो देंगे वो मैक्सिमम उतना तक का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है पीएमजीपी में। तो उसमें थोड़ा सा ये 10 लाख तक लिमिट है।
यही है और बाकी जानकारी सारी चीज जानकारी आपको यहाँ से कोई क्वेरी होगा आपका तो हम लोग क्वेरी रेज करेंगे तो उसका जवाब हम लोग देंगे। अब दूसरी योजना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, SBSKP स्वामी विवेकानंदा स्वनिर्भर कर्म संस्थान प्रकल्प SBSKP। ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में ही है और ये इसका एरिया वेस्ट बंगाल ही है और इस ये भी सब्सिडी इसमें अच्छी खासी मिलती है, 35% सब्सिडी मिलती है, नहीं 30% सब्सिडी मिलती है इसमें, आपका ऑन कंट्रीब्यूशन 5% लगता है तो 35 हो गया दोनों मिला के 65% आपको बैंक फाइनेंस करती है। इसमें फ्रंट इंडेड सब्सिडी है, यानी कहने का मतलब है कि आपका सब्सिडी और लोन दोनों एक साथ ही आपको मिल जाता है और चुकाने का है कि 7 ईयर्स के अंतर्गत आपको चुका देना है। तो इसको मेरे कहने का मतलब है राइट स्पिरिट में लोन को लेना है, लोन को लेने के बाद चुकाने का भी कोशिश करना है। और मैं आए हुए सभी लोगों का एक बार फिर से क्या अभिनंदन करता हूँ और आप लोग इंटरेक्शन करेंगे, हमारा हम लोगों के काउंटर लगे हुए हैं तो एक दो जानकारी प्राप्त करेंगे और बैंक से जुड़ने का कोशिश करेंगे। सरकारी बैंक हमेशा आप लोगों के उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए आपके साथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रगति SSG नेक्स्ट बुद्ध तमाम तैयार हो बुद्ध तमाम बैंक ऑफ बड़ौदा हाउस बिल्डिंग लोन 45 लाख नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिस्टर अनिल प्रसाद बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा राधिका छेत्री मुद्रा लोन 3.25 लाख मिस्टर संतोष थापा हाउस बिल्डिंग लोन बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट कैनरा बैंक हाउसिंग लोन मिस्टर रतनलाल मुखिया कैनरा बैंक बटन नेक्स्ट कैनरा बैंक बटे मिस्टर जानू सुब्बा विजन बारी को SBSKP नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाटा समृद्धि SHG अमाउंट 1,50,000 फर्स्ट ग्रेडिंग में पाको नेक्स्ट सेंट्रल बैंक वाटे मेरीगोल्ड SHG तैयार भएर बस्नुस् मेरीगोल्ड SHG को पनि 1,50,000 छ प्रगति SHG तैयार होनुस् SHG सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दार्जिलिंग ब्रांच बड़ा नेक्स्ट कमल SHG दार्जिलिंग ब्रांच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दार्जिलिंग ब्रांच अमाउंट 2.5 लाख बैंक बड़ा प्रेरणा छेत्री कोलबुम बाजार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 50,000 रुपया गुड यूनाइटेड बैंक बाट प्रोग्रेस SHG एक 1.5 लाख मंत्री महोदयलाई टाढा जानु छ
र उहाँले यहाँसम्म नै गर्नुभयो र बाद बाकी जति पनि रहेको हुनुहुन्छ उहाँलाई अहिले हाम्रो कार्यक्रम चल्ने नै छ एवेरनेस कार्यक्रम यसपछि हामी फेरि थ्याङ्क्स लेटर वितरण गर्न छौँ धन्यवाद जैसा कि आपको मिश्रा जी ने बताया कि धर्म जो होता है चलायमान होता है उसको पकड़ के रखना पड़ता है स्थिर करना पड़ता है तो उसको स्थिर रखने के लिए आपको घर की आवश्यकता होगी अदरवाइज आपके लक्ष्मी आपके पास रहेंगे नहीं तो मैं हाउसिंग लोन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ हाउसिंग लोन जो है रोटी कपड़ा मकान ये ह्यूमन नीड्स का बेसिक नीड्स है वन ऑफ द बेसिक नीड्स आपको घर की आवश्यकता सभी को घर की आवश्यकता है इसलिए और इस हाउसिंग लोन जहाँ तक आपको है सभी को मालूम है कि हाउसिंग लोन क्या है आपको घर बनाने के लिए बैंक जो है हाउसिंग लोन देती है और आज जो भी रियल एस्टेट में जो भी डेवलपमेंट हुआ है इसमें बैंक और आपके सहयोग से बहुत ही बड़ा एक सेक्टर क्रिएट हुआ है जिसमें काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है तो हाउसिंग लोन के बारे में मैं जब देखिए हाउसिंग लोन आपका एक ऐसा लोन है जो आप रोटी कपड़ा अपने नॉर्मल इनकम से आप कर सकते हैं लेकिन हाउसिंग लोन के लिए आपका इनकम नॉर्मल इनकम से ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना घर खरीद सकते हैं तो इसमें बैंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसलिए आपको हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा बैंक से तभी आप घर जो है खरीद सकते हैं और बैंक इसमें एक और भी अच्छी खूबी जो है जो बैंकों ने ऑब्जर्व किया है कि हाउसिंग लोन में जो कंसेप्ट है एनपीए का इस लोन में हाउसिंग लोन में एनपीए बहुत ही कम है और बैंक जो है हाउसिंग लोन देने के लिए आपको ऑलवेज तत्पर रहती है तो मेरा इसमें आपसे आग्रह यही है कि जिन्हें भी घर का जरूरत है वो अपना घर बनाए और बैंक के अपने बैंक शाखा के पास जाए और हाउसिंग लोन के लिए आप प्रयास करें आपको हाउसिंग लोन बैंक जरूर ही देंगे इस सिलसिले में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक स्कीम लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना एक्चुअली एक मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना मिशन एक किया है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 हाउसिंग लोन सभी को चाहिए और सरकार उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ इस हाउसिंग लोन के बारे में खासकर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है ये बेसिकली जो जिनके इकोनॉमिकली वीक हैं और जिनके इनकम लो है उसके लिए ये काफ़ी ही सुविधाजनक है तो इसमें तीन कैटेगरी है बेसिकली एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनका सालाना इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं है उनके लिए है जिसको 30 स्क्वायर मीटर का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है और 6 लाख तक लोन देती है और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी का रेट जो है 6.5% है फॉर 15 ईयर्स दूसरी कैटेगरी जो है वो लो इनकम ग्रुप इसमें 3 लाख से लेके जिनका 6 लाख तक इनकम है उनके लिए है और इसमें एरिया जो होता है वो 60 स्क्वायर मीटर का होता है जिसका कि आप जो है घर ले सकते हैं और जिसमें सब्सिडी आपको जो है इसमें भी अवेलेबल है और लोन जो है इसमें लोन 30 स्क्वायर लो इनकम ग्रुप में आपको 3 लाख से 6 लाख तक का इनकम होना चाहिए और सब्सिडी इसमें भी जो है 6.5% है थर्ड ग्रुप जो है वो MIG ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप उसमें 2 कैटेगरी है मिडिल इनकम ग्रुप में है लोन मिलने का जो है इनकम जो होना चाहिए वो 6 लाख से 12 लाख तक का आपका और उसमें एरिया जो रहेगा वो 120 स्क्वायर मीटर और इसमें लोन लिमिट जो है वो 9 लाख है जिस पर सब्सिडी अवेलेबल है और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 4% है उसके बाद एक और ग्रुप है जो मिडिल इनकम ग्रुप 2 होता है जिसमें 12 से 18 लाख इनका इनकम क्राइटेरिया है उसके लिए है परिणाम इसमें एरिया जो होना चाहिए स्क्वायर मीटर में 150 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए जिसमें सब्सिडी अवेलेबल है और लोन लिमिट है 12 लाख इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 3% है
तो ये सरकार का जो योजना है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इसमें जिनके इनकम जो जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है इसको अवेल करके ये ले सकते हैं, और ये 31/3/2022 तक इम्प्लीमेंट होगा, पूरा कंप्लीट इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हाउसिंग लोन का ये जो है ये पूरे स्कीम है, और मेरा आप बाकी जो इतने भी स्कीम है इसके बारे में सभी लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी आप लोग को देता हूँ। यत्र नार्यस्तु भुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रै तास्तु न भुज्यन्ते समस्ता तत्र फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां ये नहीं किया जाता है वहां का सारा किया हुआ काम असफल माना जाता है। ग्राहक देवी देवता का आज जो बैंक है, बैंकों का काम यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बैंकिंग उद्योग आप लोगों के विकास और हमारे और आर्थिक विकास में लगा हुआ है। ये बैंक जो है लक्ष्मी जी का मंदिर इनको मानते हैं, लक्ष्मी जी का निवास होता है बैंकों में, और यहाँ पर जितने भी लक्ष्मी जी जितने हैं वो आज विद्यमान हैं। आप लोगों को ये समझाने, ये आप लोगों को अवेयर करने, सतर्क करने कि बैंकों से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या आपको मिल सकता है। और ये जो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम, आपकी समृद्धि के लिए जो स्कीम और योजनाएं लाई गई हैं इन सरकार के द्वारा, 4-5 साल पहले ये सारी स्कीम लॉन्च किया गया था जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो बैंकिंग फैसिलिटीज है आप लोगों के लिए, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है जो आपके सेवा में तत्पर है, मेरा तो ये मानना है कि मेरे जीने में मरने में तेरा ही नाम आएगा। जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ये ग्राहकों के ऊपर डिपेंडेंट है, और आप भी यदि बैंकों से लाभ लेते हैं, समय पर उसको वापस करते हैं, तो बैंक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा और इसमें आपको प्रदान करेगा जितने भी धन की, और धन से लेकर के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितने भी स्कीम्स हैं आपके विकास के लिए, सारी योजनाएं यहां पर हैं बैंकों के पास। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सुरक्षा बीमा योजना उनके लिए है जो किसी दुर्घटना, इसमें जो प्रीमियम है 12 रुपए का प्रीमियम है, जो कोई दुर्घटना घट जाती है 18 से 50 साल के लोगों के लिए है ये 12 रुपए का, और ये 2 लाख तक का इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 70 साल तक, 18 साल से 21 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को ये लाभ प्राप्त है, 70 साल 12 रुपए, और 330 रुपए का एक स्कीम है जिसमें कि आपको दुर्घटना बीमा मिलता है 330 रुपए में 2 लाख का, तो 2 लाख प्लस 2 लाख का 4 लाख का ये स्कीम है। अटल पेंशन बीमा योजना 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो डिपेंड करता है कि आपको कितना पेंशन चाहिए, 5,000 रुपए से स्टार्टिंग है, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। जिनका जितना जितना एज कम होता है उनका प्रीमियम उतना ही कम होता है, 42 रुपए से स्टार्ट करके ये जितने आपको पेंशन मिलना है ये उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। और चौथा जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जो 0 दिन से लेकर के 12 साल के लड़कियों के लिए है, जो 21 साल के बाद, और इसमें सबसे जो इसकी विशेषता है सबसे ज्यादा ब्याज दर सुकन्या समृद्धि में मिलता है जो ब्लॉक रहता है 21 साल तक। तो जो भी कन्याएं हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। आप सब लोग बैंकों में आकर के अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाएं, और जो भी किसी भी प्रकार की कोई जो भी आपको क्वेरी है वो आप बैंकों से ले सकते हैं। दोस्त आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लक्ष्मी का मंदिर है, लक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है कि चलायमान होती हैं लक्ष्मी जी,
लक्ष्मी जी क्या होती हैं? चलायमान होती है। इनको स्थिर करने के लिए आपको चलायमान होना पड़ेगा। जितना एक्टिव ये हैं, उससे ज्यादा एक्टिव आप होंगे तभी लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी, बढ़ेंगी और आपको बढ़ाएंगी। तो इसके लिए ये है कि जितना आप काम करेंगे, जितना आप आगे बढ़ के आगे आएंगे, उतना आपके पास ये लक्ष्मी जी की वृद्धि होती जाएगी। परिश्रम, परिश्रम करने से ही ये मिलेगा। यदि आप एक कदम आगे आएंगे तो बैंक दो कदम आपके साथ आगे आएगा। बोलते मुश्किल से घबराने वाले पथ में ही रह जाते हैं और श्रम की पूजा करने वाले निश्चित मंजिल पाते हैं। तो श्रम की जो पूजा करते हैं और जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए सारी योजनाएं बैंकों के पास उपलब्ध है। आप लोग ये जो ये यूनिक टाइप का जो ये स्कीम है ग्राहक संपर्क मेला, ये कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस जो भारत सरकार के द्वारा DFS के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया था कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में ये मेला को आयोजित करना है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज दार्जिलिंग में ये आयोजन किया और आप सब लोग आए यहाँ पर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सारी बैंकें, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी, अपना स्टॉल लगाया है। आप लोगों से आग्रह है और ये उम्मीद भी है कि आप सब स्टॉल पर जाएं, बैंकों के जो जितनी भी योजनाएं हैं आप उसको जानें, समझें और उस तरीके से अपना काम करें। हमारे बैंक से भी दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में अभी 12 शाखा लेकर, ब्रांच लेकर हमारे ग्राहकों को सहयोग कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यतः एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए हमारे बैंक में कृषकों के भारत सरकार व बंगाल सरकार का कृषक को अपडेट करने का जो योजना है स्कीम है, उसी में हम लोग नीचे स्तर के लोग के लिए बेसी जागरूक है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में दो टाइप का सहायता हम लोग कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर में वेजिटेबल सहित उसमें लोन की सुविधा उपलब्ध कराकर गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर से टाइम में रिपेमेंट करने से इंटरेस्ट सबवेंशन नाबार्ड से उपलब्ध करा के ये स्कीम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नॉन एग्री एलाइड में भी एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में जो पशुपालन है उसके ऊपर भी कर रहे हैं। हम लोग अभी दार्जिलिंग कालिम्पोंग जिला में कृषकों के लिए इस साल 1920 में इस फिनेंशियल ईयर में 35 करोड़ इन्वेस्ट करके कृषक लोग को सहायता पुराने के पहुंचाने के स्कीम में। इसके साथ साथ हमारे शाखाओं में प्रत्येक एम्प्लॉयड के लिए भी सुजोग सुविधा दे रहे हैं। अभी जो आलोचना हुआ है यहाँ पर जितने भी बैंक के महोदय ने यहाँ पर रखा है वो स्कीम हमारा भी है। वहाँ पर सब स्कीम में हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयड को भी एम्प्लॉयड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके हम लोग सहायता कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर टी गार्डन है, टी गार्डन में हम लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सभी मजदूरों को भी सभी प्रकार के गवर्नमेंट का स्कीम को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये SHG ग्रुप का स्कीम, GLG ग्रुप का स्कीम, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है वो सबको हम लोग उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्लानिंग में है, हमारे पूरा बजट में हम लोग ले रहे हैं। इसको आप लोग ये सुजोग लेकर सब
आपको फाइनेंशियल कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए जागरूक हो, ये आह्वान है। प्रोपराइटर ऑफ गीता ज्वेलर्स, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का सम्मान करते हुए नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए अपने दो शब्द रखना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान है जो यहाँ दारोगा बाजार में उपस्थित है। मेरी परिस्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, जो मेरी दुकान है काफ़ी अच्छे स्थिति में नहीं चल रही थी। मुझे कुछ फंड की ज़रूरत थी। मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया, उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को समझा और मेरी मदद करने के लिए आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे कुछ फंड इशू किया अपने बैंक के द्वारा। कोई बड़ी राशि नहीं थी, फिर भी 5 लाख रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखती थी और उन्होंने मुझे 5 लाख की राशि आवंटित की, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला और मैं आज अच्छे स्टेज में पहुंच गया हूँ। मेरी बिजनेस अच्छे तरीके से चल रही है, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ बैंक के व्यवहार से और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे जैसे छोटे व्यवसायियों को काफ़ी मदद करती है और काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिल रही है और आगे उम्मीद करता हूँ कि और भी जो यहाँ के छोटे व्यवसायी हैं उनको बैंक द्वारा ऐसे ही मदद मिलती रहे तो हम लोगों का जीवन शैली जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुँचेगा और उम्मीद करते हैं कि और सारे लोग भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहेंगे, जो कि एक इजी प्रोसेस है, कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। विशेष करेर म एसएसजीको तर्फबाट तपाईहरुलाई केही कुराहरु भन्न लागिरहेको छु। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरुलाई जुन चाहिँ सरकारले दिने सुयोग सुविधाहरु ग्रामीण क्षेत्रको प्रत्येक घरहरुको महिलाहरुलाई प्रत्येक घरहरुमा सरकारको सुयोग सुविधाहरु पुर्याउनको निम्ति सरकारले एउटा सोच राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ सोच चाहिँ स्वनिर्भर दल प्रत्येक महिलाहरुलाई दल गठन बनाएर प्रत्येक महिलाहरुको घरमा यो सुविधाहरु पुर्याउने जुन चाहिँ सोच लाई ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरुले शिरोपर गरेर आफ्नो आफ्नो संसदमा आफ्नो आफ्नो गाउँमा प्रत्येक महिलाहरु एकत्रित गरेर आफ्नो आफ्नो दल गठन गरेर अहिले जुन स्वनिर्भर दलहरु गठन भइरहेको छ, स्वनिर्भर दल है सेल्फ हेल्प ग्रुप आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्ने है जुन चाहिँ दल भित्र बसेर अनि 2010 देखि मेरो स्वयं सगरमाथा एसएचजीले जुन चाहिँ ग्रुप गरेर सुरु गरिरहेको छ र सरकारको योजना के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरूलाई चाहिँ है स्वनिर्भर बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरू है आफ्नो घरभित्र बसेर आफ्नै गाउँमा सीमित रहेर घरकै खानाहरू पकाउने है घरकै लुगा धुने घरभित्रै बसेर घर परिवारको मात्रै हेरचाह गरेर जीवन चलाइरहने महिलाहरूलाई सरकारले एउटा असल सोच राखेर स्वनिर्भर बनाइरहेको छ र यो दलभित्र बसेर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्ने है दल गठन गरेर आफ्नो आफ्नो मन्थली पैसा है 50 रुपये गरेर सेभिङ गर्नुपर्ने अनि आफूले राखेको पैसा फेरि पनि ब्याङ्कबाट निकालेर फेरि त्यो पैसा फेरि सुदसहित ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने कुराहरू छ अनि जसरी हामीले आफ्नो पैसा सेभिङ गरेर आफ्नै पैसाहरू निकालेर सुदसहित बुझाउँदाखेरि ब्याङ्कले भन्छ यिनीहरूले त आफ्नै पैसा पनि निकालेर सुदसहित बुझाउँदो रहेछ भनेर ब्याङ्कले पनि राम्रो सोचेर फेरि पनि यो स्वनिर्भर दललाई चाहिँ फेरि पनि लोनहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर गभर्मेन्ट सरकारले भारत सरकारले धेरैवटा सुयोग सुविधाहरू भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तै 10 जना एउटा ग्रुपमा 10 जना महिलाहरू छ भने विभिन्न प्रकारको कामहरू गरिरहेको हुन्छ, कसैले टेलरिङ, कसैले ब्युटिसियन, कसैले सफ्ट टोइज बनाउने, कसैले स्वेटरहरू बुन्ने, विभिन्न प्रकारको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअली कामहरू लिएर 10 जना गठन हुन्छ भने सरकारले विभिन्न प्रकारले उनीहरूलाई ट्रेनिङहरू सित्तैमा दिइरहेको छ अनि 10 जना महिलाहरू हेर्नुहोस् कसैले टेलरिङ,
कसैले ब्युटिसियन, कसैले सफ्ट टोइस, कसैले स्वेटर बुन्ने, है यो प्रत्येक 10 जना महिलाहरूले भिन्दै भिन्दै प्रकारले ट्रेनिङ पाइराखेको छ अनि भिन्दै भिन्दै ट्रेनिङ पनि सित्तैमा पाएर आफ्नो आफ्नो लगानी गर्नको निम्ति है आफ्नो आफ्नो घर परिवार चलाउनको निम्ति ब्याङ्कले पनि लोनहरू दिइरहेको छ अनि यस्तै प्रकारले विभिन्न ठाउँमा अहिले घरि यति विभिन्न एसएससीहरू है चलिरहेको छ अनि मेरो पर्सनल सागरमाथाको कुरा भन्न पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु म एसएससी हुनुभन्दा अगाडि मैले सानोदेखि नै सिलाइ बुनाइ गर्ने स्वेटरहरू बुन्ने है थुप्रै कुसनहरू बनाउने कामहरू गरिरहेको थिएँ तर घरभित्र मात्रै सीमित परिवारमा सीमित गाउँमा मात्रै सीमित थियो तर पछिबाट एसएससीमा लागिसकेपछि हेर्नुहोस् म मास्टर ट्रेनर भएर गएँ अनि विभिन्न जिपी ब्लक हुँदै डिस्ट्रिक्टसम्म म ट्रेनर बन्न सकेँ है मेरो मेरो जुन चाहिँ योग्यता थियो मेरो जुन चाहिँ स्किल थियो मैले जानेको कुरोहरू चाहिँ गाउँमा मात्र होइन म डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म ट्रेनर भएर गएको छु त्यति मात्रै नभएर 2019 दिल्ली हाट मेलामा पनि म त्यहाँनिर पुगेको थिएँ जुन चाहिँ सामानहरू बेच्नको निम्ति मैले बनाएको मेरो ग्रुपले बनाएको प्रत्येक सामानहरू लगेर म दिल्ली हाटमा पनि 1 महिनाको लागि गएको थिएँ त्यहाँनिर मैले मात्र नभएर मेरो साथीहरूले बनाएको प्रत्येक कुरोहरू पनि मैले त्यहाँनिर धेरै मात्रामा बेचेर है मैले पैसा ल्याएर मेरो साथीहरूलाई दिन सकेँ र जति पनि स्वनिर्भर दलहरू छ तपाईँले विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङहरू चाहिँ सरकारले त्यसै मात्रामा दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू स्वनिर्भर दलहरू भएर है ट्रेनिङहरूलाई अगाडि बनाउनुहोस् र तपाईँहरूले तपाईँहरूको दललाई है 10 जनाको मन त मिल्दैन तर 10 जनाको मनलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ है हामीले कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति हामीले धेरै ठोकरहरू आउँछ तर त्यो ठोकर अनि समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले बन्साउनुपर्छ मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो प्यारो एसएससी तल्लो घरको पल्लो घरको जेठी माइली सैनिक एक एक गर्दै मिटिङ जान्छे दिन अनि रात गर्दै उकालो र ओह्रालो झर्दै एक गाउँदेखि अर्को गाउँ गठन भयो एसएससी नाउ पञ्चसूत्रको नियमलाई मानी एक दुई गर्दै एसएससी बने मिटिङमा बस्छ सबै साथी स्वनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखे लक्ष्य तिम्रो शिखर छुने बेरोजगारदेखि रोजगार बन्ने तिर्सना राखी हिँडिरहनु गङ्गा यमुना चाहिँ अघि बढिरहनु एक एक पाइला हिँड्दा तिमी 1000 पाइला भइसक्यो 50-50 सेभिङ गर्दै लाखौँ लाख भइसक्यो सेभिङ बचत डिपोजिट गर्दै विकासको फुल फुलाउनु छ भन्दै चुल्हादेखि बाहिर निस्कन नसक्ने मानिसहरूको अगाडि बोल्न नसक्ने लाचार अबला नारी तिमी भयो तिमी राजा सरकारको प्यारी धन्यवाद दार्जिलिङ लन्ड्रीबाट आएको मैले एउटा सानो भेन्चर सुरु गरेछु अनि यसको स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यसको अगाडि म सिक्किममा थिएँ अनि सिक्किममा राउन्ड अबाउट 10 इयर्स जस्तो बसेँ अफकोर्स मेरो सिक्किमको नागरिकता थिएन तर पनि मैले मेरो भेनाको नाममा बिजनेस गरेँ अनि बिजनेस गर्दाखेरि राम्रै गर्दै थिएँ डिपार्टमेन्ट सप्लाइजहरू दोकानहरू गरेको थिएँ अनि राम्रै हुँदै थियो त्यो बिचमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन म मेरो दाजुको एउटा फ्याक्ट्री थियो त्यहाँनिर घुम्दै पुगेँ अनि फ्याक्ट्री हेर्दाखेरि यसो देखेँ लन्ड्री छ एकदमै मेकानाइज अब मसिन्सहरू लगाएर एकदमै राम्रो भइरहेछ अनि उसको चाहिँ होटेल्स थियो अनि होटेल्सलाई केटर गर्दै थियो अनि त्यहाँदेखि इट्स स्ट्रक मी अरे दार्जिलिङमा आफ्नो जग्गामा जहाँ चाहिँ टुरिज्म यति राम्रो छ त्यहाँनिर पनि त एभेन्यू छ होला यसको भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि आई केम ब्याक विथ द आइडिया अनि आइडिया लिएर आएर चाहिँ यहाँनिर यताउता सोधखोज गर्दाखेरि चाल पाएँ कि यहाँ पनि हाम्रो धेरै स्किम्सहरू रहेछ गभर्मेन्टले दिएको स्किम्सहरू अनि खोज्दै जाँदाखेरि डिआइसी पुगेँ डिआइसीबाट भन्नुभयो यु हेभ टु गो टु अ ब्याङ्क अनि म चाहिँ इन्डियन ओभरसिज ब्याङ्कमा गएँ अनि इन्डियन ओभरसिज ब्याङ्कमा त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो मिस्टर गुर्मे दोर्जी भुटिया म्यानेजर अनि उसको सपोर्टले मैले यो पिएमइजीको उस गरेँ स्किम लगाएँ अनि त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अहिले मैले एउटा लन्ड्री सेटअप गरेको छु
हाम्रो दार्जिलिङको आई थिङ्क इट इज द फर्स्ट फुल्ली मेकानाइज लन्ड्री विथ अ इन्भेस्टमेन्ट अफ अलमोस्ट 45 to 50 lakhs पुग्यो तर तपाईँको अहिलेसम्म भवनको त अहिले राम्रै गरिरहेछौँ प्रोस्पेक्ट एकदमै राम्रो थियो प्रोस्पेक्ट किनभने अब होटेल्स धेरै छ यहाँ अब लोकल काउन्टर्सहरू जुन चाहिँ छ ड्राई क्लिनहरू त्यति थिएन अनि यसो हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ लोकल काउन्टर्सहरू थियो उनीहरूसित बात गर्दाखेरि सबै सिलगढी जाँदो रहेछ अब यहाँको लुगा सिलगढीबाट धोएर लिएर आएर फेरि यहाँ दिने अनि त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स फर्स्ट इयर अलिकति साह्रो पऱ्यो फर्स्ट इयरमा किनभने अब तपाईँको टुरिज्मको जुन चाहिँ हुन्छ इट्स सिजनल अन्त सिजनल हुँदाखेरि अब लगायत गऱ्यो 12-15 मान्छे हाल्यो अनि ठ्याक्कै सिजनमा त भ्याइ नभ्याइ रातभरि काम गर्ला जस्तो अफ सिजनमा त फेरि झिङ्गा मार्दै बस्ला जस्तो भएको हो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देन स्लोली आई गट इन टु रिटेल हुन्छ अनि रिटेल काउन्टर्सहरू यताउता गरेर दुई चारवटा खोलेँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति स्टेबिलाइज हुँदैछ अनि यो प्रोसेसमा मैले वाट आई रियलाइज वाज हाम्रो यहाँको पब्लिकले हाम्रो जुन चाहिँ दार्जिलिङको जुन चाहिँ पहाडको हाम्रो छ कतिवटा प्रब्लम्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै अब कस्तो भने प्रोफेसनलिजम अलिकति कम्ती छ हाम्रोमा अब मेरो कतिजना स्टाफहरू बाहिरको छ ट्रेन स्टाफ कतिजना लोकल पनि हालेको छु मैले अब त्यो दुइटामा हेर्दाखेरि बाहिरबाट आएको मान्छेहरू एकदमै प्रोफेसनल छ उनीहरूले बिहान टक्कै टाइममा आएर दे टु दे जब हाम्रो मान्छेहरूलाई अलिकति क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नुपर्ने हो कि अब त्यो क्यारेक्टर बिल्डिङ गर्नुपर्ने हो कि के हो त्यसमा चाहिँ अलिकति वी हेभ टु वर्क टुवर्स द्याट रहेछ अन्त हिजो मात्रै मैले एउटा इन्टरनेटमा त्यही हेर्दै थिएँ एउटा आर्टिकल थियो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अब अहिले हामी आई क्यान सी सो मेनी एस्पायरिङ एन्टरप्रेनर्स हियर अब हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा नभएको छैन रिसोर्सेस धेरै छ तर के हुँदैछ भने रिसोर्सेस चाहिँ सबै बाहिर जाँदैछ अब दुध हेर्नुहोस् दुध हाम्रै दुध बाहिर गएर प्याकेजिङ भएर फेरि हाम्रोमै आउँछ त्यसरी नै अब धेरैवटा चिज छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो हातमा छ तर हामीले गर्नु सकेको छैनौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा वर्क गर्नु सक्छौँ अनि त्यही क्यारेक्टर अब मैले गएर उसमा तपाईँको डिआइसीमा अप्रोच गर्दा अनि ब्याङ्कमा अप्रोच गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूले स्टडी गर्छ अलिकति डाउटफुल पाराले हेरिहाल्छ गर्छ कि हेर्यो भन्ने खालके है अनि त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको केसेसहरूमा चाहिँ धेरै बिगारेको रहेछ हाम्रोले अब कतिवटा लोन लियो लोन लिएपछि छैन भुल्यो त्यहाँदेखि अब के अरे तपाईँको पाइलअप भएको भएको इन्ट्रेस्ट पाइलअप भएको भएको त्यहाँदेखि त्यो गर्डन आएको आएको त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ अनि त्यसलाई सिरियसली लिनुको लागि चाहिँ इन्टेन्ट हेज टु बी गुड अनि क्यारेक्टर बिल्डिङ चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ त्यो लोन लिएर चाहिँ मैले चाहिँ यो गर्छु गर्छु म चाहिँ तिर्छु तिर्छु अन्त मेरो क्रेडिबिलिटी अझै बनाएर म बढेर जान्छु भन्ने चाहिँ वी हेभ टु टेक द्याट भेरी सिरियसली जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि त्यो गऱ्यो भने अब यत्रो स्किम्सहरू छ सपोर्ट पाइरहेको छौँ हामीले होइन अब धेरैवटा स्किम्स छ डिआइसीबाट एमएसएमईबाट एन्ड ब्याङ्क्सहरू पनि दे आर रेडी टु सपोर्ट अस अनि अस्ति अहिले दिदीले भन्नुभएको जस्तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्सहरू छ सेल्फ हेल्प ग्रुप्सहरू अब दे आर द स्ट्रेङ्थ अब हाम्रो लोकल इकोनोमीको दिदी बहिनी बुढी बुहारीहरू सबैजना अब होइन धेरै ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ अब त्यसमा मिलेर केही कुरा राम्रो चिज अब प्रड्युस गर्नु सक्यो भने लोकल इकोनोमी त्यसै पनि राम्रो भएर जान्छ नि अनि त्यसरी नै अब कोअपरेटिभ्स भयो अब धेरै अरूहरू पनि छ मिलेर गर्नु सक्यो भने आई थिङ्क वी क्यान बुम द लोकल इकोनोमी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै फरक परिहाल्छ अब सेल्फ रिलायड हुन सक्छौँ हामी है अनि त्यस्तो धेरै छ एन्ड आई वुड लाइक टु इन्करेज मोर एन्टरप्रेनर्स टु कम अप इन द फ्युचर धेरैवटा छ एभेन्युज हामीले गर्नुपर्ने एन्ड लास्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अ फ्यु पिपल हाम्रो डिआइसीको हुनुहुन्छ मिस्टर सोनाम अन्डर हुज गाइडेन्स दिस अल ह्यापन्ड उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ डिपार्टमेन्ट्सहरूमा मिस्टर एलडी भुटिया भेरी रिसोर्सफुल पर्सन मिस्टर प्रकाश एन्ड द होल डिआइसीको उसहरू स्टाफ मेम्बर्स एन्ड स्पेसली द के अरे ब्याङ्कको हाम्रो इन्डियन ओभरसिज ब्याङ्कको म्यानेजर अहिलेको करेन्ट रविन्द्र सर एन्ड द होल स्टाफ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क देम फ्रम द बटम अफ माई हार्ट